प्रदेश में अपमिश्रित अवैध देसी शराब से हो रही मौतों की रोकथाम के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को बबेरू पुलिस ने अपमिश्रित शराब की तस्करी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 120 लीटर गाढ़ी शराब बरामद की है। घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर बबेरू कोतवाली प्रभारी शशि कुमार पांडे ने कमासिन तिलोसा मोड़ के पास दबिश देकर 4 पहिया वाहन एल्टो यूपी 90D0552 की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसमें 3 प्लास्टिक के गैलन से करीब 120 लीटर गाढ़ी शराब, एथेनॉल, रेक्टिफाइड स्प्रिट व शराब निर्मित करने में प्रयोग हेतु करीब 100 मिलीलीटर तरल बरामद हुआ। मौके पर रज्जू यादव पुत्र राम मिलन निवासी ग्राम टोला कला थाना बबेरू, जगत नारायण यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम बंसीपुरवा थाना बबेरू और कृष्ण यादव पुत्र शिव बालक निवासी ग्राम तेरा थाना कमासिन को गिरफ्तार किया, जबकि इनका एक साथी भाग निकला। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि शराब बनाने में इस मिश्रण की मात्रा यदि कम ज्यादा हो जाती है तो शराब पीने वालों की मौत हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह शराब राम बाबू व अंकित सिंह उर्फ तुलसी सिंह निवासी कमासिन से खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं। दोनों अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इस गाड़ी का नंबर LX UP 90D 0552 ये कत्थई कलर की गाड़ी है। इससे गैलनों में ये अपमिश्रित जो शराब बनाने का जो घोल है वो पूरा इसमें भरा हुआ बरामद हुआ है और जानकारी करने पर पता चला कि इसी कंसंट्रेटेड घोल से बहुत सारा पानी और बहुत सारा केमिकल इसमें और सारी चीज़ें मिला करके ये लोग शराब बनाते हैं। इसको लोकली पर्सनल सप्लाई भी देते हैं और दुकानों में भी इसमें शीशियों में इसको गलत तरीके से लेबलिंग करके इसको बेचने का प्रयास करते हैं।